हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने रहे। तो बात करते हैं जहाँ पे क्रिकेट का महाकुंभ और इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। कुछ मैच भी हो गए हैं, हर एक मैच में हर एक टीम का काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। उसी के साथ आज दोस्तों हम बात करने वाले टूर्नामेंट के 17वें मैच की, जो कि खेला जाएगा पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। यह मैच आपको 4 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन के अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 49% रहेगा और टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर विनिंग परसेंटेज की बात किया जाए, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 62% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 38% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका बेस्ट स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का बेस्ट स्कोर 171 है, वहीं पर सेकेंड इनिंग का बेस्ट स्कोर 158 है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 3 मैच खेले गए, जिसमें से पंजाब 1 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर गुजरात 2 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी गुजरात टाइटंस का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। गुजरात का परफॉर्मेंस अब तक अप एंड डाउन वाला चल रहा है। पहले गेम में जहां पे टीम ने मुंबई को हराकर स्टार्ट किया था, लेकिन अगले गेम में मैच में जहां से चेन्नई से पिट गई, फिर लास्ट गेम में उन्होंने मजबूत हैदराबाद को टीम आसानी से हरा दिया। वहीं पर शुभम गिल, रिद्धिमान शाह जो टीम के लिए ओपन कर रहे हैं, जहां पे सहा ने अब तक फ्लॉप चल रहे हैं। नंबर 3 पे बात करेंगे जो कि साई सुदर्शन, जो कि लगातार रन भी बना रहे हैं और टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है। वहीं पे मिडिल ऑर्डर में जहां पे विजय शंकर, डेविड मिलर, अफगानिस्तान का अजमतुल्ला जो टीम को स्टेबल करेंगे। मिलर ने लास्ट गेम में 44 रन नाबाद बनाए थे। वहीं बॉलिंग में टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। स्पेंसर जॉन्स जो कि लास्ट गेम में बाहर थे, उनके जगह नूर अहमद को चांस मिला था, जहां पर उमेश यादव, मोहित शर्मा लाइन लेन से बॉल भी डाल रहे हैं, जहां पर राशिद खान जो कि अब तक अनइफेक्टिव दिख रहे हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं गुजरात के, जहां पर शुभम गिल है, रिद्धिमान शाह, विजय शंकर है, साई सुदर्शन है, डेविड मिलर है, राहुल तेवतिया, अजमतुल्ला है, राशिद खान है, स्पेंसर जॉनसन है, मोहित शर्मा, उमेश यादव। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि शुभम गिल है, साई सुदर्शन है, मोहित शर्मा है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी पंजाब किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पर टीम ने अच्छा स्टार्ट के बाद लय को खो दी। पहले गेम में जहां पर टीम ने दिल्ली को हराया, उसके बाद टीम लगातार आरसीबी और एलएसजी से हार गई। टीम के लिए ओपनिंग में जहां पर बैरिस्टर एंड शिखर धवन ने स्टार्ट किया था, धवन ने लास्ट गेम में 70 रन बनाए थे, वो टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर भी है। यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में पंप शिवनाथ सिंह जो कि लाइम लिमस्टिंग के साथ खेल रहे हैं, जहाँ पे सैम करन ने 3 मैच में 86 रन बनाए, जितेश शर्मा भी अब तक फ्लॉप चल रहे हैं। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें तो जहाँ पे लास्ट गेम में बहुत महंगी पिट गई थी, यहाँ पे कशिगो रावा जो कि अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं, उन्होंने अब तक 4 विकेट लिए। जहाँ पे इंडियन पेसर हर्षदीप सिंह ने लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे, जहाँ पे हर्षल पटेल ने अब तक काफी रन भी लुटाए हैं। स्पिन बॉलिंग में राहुल चहर और हर्षप्रीत बुमराह ने 1-1 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं पंजाब का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो, परम सिमरन सिंह है, जितेश शर्मा, लाइम लिविंगस्टोन है, सैम करन है, हर्षल पटेल है, राहुल चहर है, हरप्रीत बुमराह है, हर्षदीप सिंह है, कशिगो रावा है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि सैम करन है, शिखर धवन है और कशिगो रावा है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं टॉस विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का टॉस विनर यहाँ पे पंजाब किंग्स होगा। वहीं अगर बात करेंगे आज का मैच विनर, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे आज का मैच विनर भी पंजाब किंग्स होगा। यहाँ पे गुजरात को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।